नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो जन जागरण रैली निकाल रही है, घरों तक जा रही है और लोगों को इस कानून के बारे में बता रही है और जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। तो नागरिकता कानून पर बीजेपी का जन जागरण अभियान जो है वो चल रहा है। बता दें कि दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज इसका आगाज करेंगे और कई जगह से तस्वीरें भी सामने आई जहां आपको बता दें कि बीजेपी ये अभियान चला रही है और घरों तक जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जो है वो घर घर जाएंगे और लोगों को इस कानून के बारे में बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और संतोष गंगवार इसकी जानकारी देंगे और दिल्ली में आज अमित शाह जो है इसका आगाज करेंगे और नागरिकता कानून के बारे में लोगों को बताएंगे। तो नागरिकता कानून पर बीजेपी का ये जन जागरण अभियान है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेता जो है वो इसकी जानकारी लोगों को देंगे, घरों तक जाएंगे और कानून के बारे में बताएंगे। बता दें आपको कि जिस तरीके से पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही है, तो लोग भी जो है वो सड़कों पर उतर आए और कई जगह विरोध देखा गया, लाठियाचरी पत्थरबाजी हुई और पूरा देश जो है वो आक्रोश में नजर आया। लेकिन बीजेपी जो है वो इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी देगी क्योंकि कई जगह विरोध देखा गया और इसी के तहत बीजेपी ने ये बात कही थी कि हम इस कानून के बारे में लोगों को बताएंगे और जो विरोध कर रहे हैं, जो इसे समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी जानकारी हम लोगों को देंगे। और इसी के तहत बीजेपी का ये जन जागरण अभियान है जिसके तहत बीजेपी लोगों को इस कानून के बारे में बताएगी और लोगों को जागरूक करेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश से भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, भोपाल से भी तस्वीरें सामने आई थी जहां हमने आपको बताया कि विधायक रैलियां निकाल रहे हैं, सड़कों पर आए हैं और घरों तक जाकर लोगों को इस कानून की जानकारी दे रहे हैं, इसके फायदे लोगों को बता रहे हैं। तो वहीं आज दिल्ली में भी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस अभियान का आगाज करेंगे और फिर संदेशों के जरिए लोगों को इसकी जानकारी देंगे। नागरिक संशोधन विधेयक के विषय में जिस तरीके से विपक्ष ने समाज को भ्रमित करने की कोशिश की है, हमें उस भ्रम को दूर करना और ये बताना है कि ये नागरिक संशोधन विधेयक उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, ये सब लोग अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, अपनी जिस तरीके से धार्मिक प्रताड़ना उनको मिली है वो हमारे देश में शरण लेना चाहते हैं। उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला यह विधेयक है। इससे किसी की भी सदस्यता को खतरा नहीं है, पर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने गैर जवाबदार तरीके से समाज को भ्रमित करने की कोशिश की है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम परिवार संपर्क के माध्यम से इस विधेयक की वास्तविक स्थिति से सबको परिचय कराएं। कल से अभियान प्रारंभ हो रहा है, हम सब जाएंगे, कम से कम 25 परिवार से प्रतिदिन अवश्य मिलेंगे। आप सबसे निवेदन है इस अभियान में बहुत ही गंभीरता से सब हिस्सा लें। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पंड्या जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। आलोक जी, जाना चाहेंगे आज से बीजेपी का जन जागरण अभियान है, लोगों को नागरिकता कानून के बारे में बताएंगे, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, जिस तरीके से संसद में जब सीए पास हुआ उसके बाद में पूरे देश में विरोध उठा और कई जगह हिंसा आगजनी हुई और अपोजिशन पार्टीज जब इसके विरोध में आई तो बीजेपी ने फिर इसके सपोर्ट में मूवमेंट शुरू किया है और पूरे सभी राज्यों में इसके समर्थन में बीजेपी अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में भी 7 अलग अलग चरणों में इसके अभियान चलना है, तो उसमें रैलियां है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है और घर घर पहुंचकर दस्तक देने का भी कार्यक्रम है। तो आज प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर, प्रदेश में 65,000 पोलिंग बूथ है, उनमें बीजेपी ये जन जागरण अभियान चला रही है, मतलब लोगों के घर पहुंच के उन्हें सीएए के बारे में
बताएंगे। तो पार्टी ने ये टारगेट तय किया है कि कम से कम 10 लाख घरों पर पहुंचना है, ये अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, बूथ पर तक लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह खुद अरेरा कॉलोनी जो भोपाल में है वहां पर जाकर लोगों से मिलेंगे घरों पर और लोगों को बताएंगे कि सीए का महत्व क्या है। इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर है, गोपाल भार्गव है, सभी नेताओं की अलग अलग बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो पार्टी ने ये टारगेट लिया है इसके और आज ये पूरा अभियान चलेगा। बिल्कुल आलोक जी, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इसका फायदा भी कुछ बीजेपी को मिलेगा? देखिए, बीजेपी ने पूरी तरीके से सीए को इनकेश करने की कोशिश की है और आपने देखा होगा कि अभी हाल में जो बीजेपी ने बड़े बड़े डिसीजन लिए वो सारा उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हमेशा से करती रही है और सीए को लेकर भी उसका अभियान चलाने का कारण ही यही है ताकि लोगों तक वो बात को पहुंचा सके कि उसने एक देश में बहुत बड़ा निर्णय किया है। जो लोग आसपास के देशों से आए, यहाँ वर्षों से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, इसमें मुस्लिम छोड़कर दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको वो नागरिकता देने जा रहे हैं, तो उसका श्रेय लेके कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ तो बीजेपी ले ही रही। चलिए, शुक्रिया आलोक जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज से ये जन जागरण अभियान है और इसकी शुरुआत हो रही है और ये भी हम आपको बता दें कि दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इसका आगाज करेंगे और फिर बीजेपी जो है वो घरों तक जाएगी और लोगों को इस कानून के बारे में बताएगी कि आखिर नागरिकता कानून क्या है और क्या कुछ इसके फायदे हैं। जिस हिसाब से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, विरोधी पार्टियाँ विरोध भी इसका देखा जा रहा है, विपक्षी पार्टियाँ भी इसका विरोध कर रही हैं और आम क्या से सभी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है अब इसका क्या मकसद था और क्या इसके फायदे और क्या नागरिकता कानून है इसकी जानकारी देने के लिए यह अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत आज होगी और फिर घरों तक जाकर लोगों के साथ जाकर लोगों के पास जाकर इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी।